वेलकम बैक, यू वॉचिंग सास बहू और कोरोना। अब मैं ये सब खाने वाली हूँ और आपको दिखाने वाली हूँ वीडियोज ऑफ द डे। ये वीडियोज आपको बहुत पसंद आएंगे। लॉकडाउन के दौर में सुनील ग्रोवर खुद को बिजी रखने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, जरा देखिए। बर्तन धोना, कपड़े धोना और गेम खेलना, सब कुछ सुनील पूरे मन से कर रहे हैं। बर्तन धोइए, कपड़े सुखा लिए, जब भी मुझे 8-10 मिनट मिलते हैं मैं टीवी के गेम लगा लेता हूँ, पबजी मोबाइल पे। ये है हिना के हाथ का रेनबो सैलेड। हेल्थ कॉन्शियस हिना ने अपने फैंस को ये चटपटा सैलेड बनाना सिखाया, जिसमें स्वाद भी है और हेल्थ भी। So as you can see, I have already chopped the ingredients and I'm going to mix all of them together. Onion, this is cucumber and tomatoes. Add salt to your taste. कहाँ बैठ कर लिख रहा है ये लेख सारा, ऐ खुदा तूने तो हमें हैरान कर दिया। हरभजन सिंह की ये कविता कोरोना काल की सच्चाई का एहसास करा रही है। कोरोना पेंडेमिक पर भज्जी की ये कविता हाकम भक्तरीवाला ने लिखी है और वीडियो गीता बसरा ने शूट किया है। तेरी रजा के बिना एक पत्ता ना हिले, आज फिर तूने अपना हुक्म बलवान कर दिया। अब तेरी मर्जी है और तू ही जानता है किसका फायदा और किसका नुकसान कर दिया। सब आस्तिक नास्तिक देख रहे हैं इकट्ठा वेद ग्रंथ और कुरान कर दिया, मालिक एक है आज तूने ये ऐलान कर दिया। कहरा फैन के लिए हाजिर है मोहसिन और शिवांगी का ये स्वीट वीडियो। रिहर्सल का ये वीडियो हालांकि पुराना है, लेकिन मोहसिन को पता है कि फैंस कायरा को काफी मिस कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये वीडियो शेयर किया, क्योंकि ये रिश्ता प्यार का जो है। पंजाब की कटरीना यानी शहनाज गिल के तो जैसे सारे सपने ही चूर चूर हो गए हैं। घर का काम शहनाज को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। मुझे क्या पता मेरे बर्तन किसके हाथ दुखे हैं, तेरा कुछ ना, तेरे कीड़े पैर किसी देश में जगह ना मिले। सनी लियोनी घर पर लगा रही है पोछा, वो भी इतने ग्लैमरस अंदाज में। वैसे सनी आपका ये मॉप डांस काफी अच्छा है। जाते जाते न्यूज ऑफ द डे भी सुन लीजिए। देवोलीना भट्टाचार्य जी की बिल्डिंग में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसकी वजह से उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन होने के लिए कहा गया है। तो वहीं शिविन नारंग के साथ हुआ हादसा, खबरें थी कि वो गलती से ग्लास टेबल पर गिर गए थे, जिसके बाद उनके हाथ की सर्जरी हुई और अब जाकर शिविन को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। शिविन ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर शेयर कर बताया कि अब वे बिल्कुल ठीक हैं।